मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। आज हम लक्ष्मणगढ़ तहसील के पुन्नी गांव में हैं। यहां की होनहार बिटिया मुस्कान बानो ने कक्षा 10 बोर्ड में 92.50 92.50% अंक हासिल करके आसमां को छूने का काम किया है। बहुत बड़ी सफलता है। सीकर जिले का एक छोटा सा गांव पुन्नी, जहाँ के बच्चे अपने दिन रात मेहनत के बल पर आसमां को छू रहे हैं। ऐसी ही एक बेटी का नाम है मुस्कान बानो, जो इस गांव के ही एक विद्यालय में पढ़ती थी, आर्यन पब्लिक स्कूल, जो पुन्नी और नरसास के बीच में पुन्नी जाजोज जो रोड है उस पर स्थित है। वहाँ के एक छोटे से विद्यालय में पढ़कर बड़े बड़े शहरों की जो स्कूलें हैं उनको, उनके विद्यार्थियों को क्रॉस किया है इस बच्ची ने। कंप्यूटर माइंड से आपको मिलवाते हैं, बच्चों के जब इंटरव्यू लेते हैं, चाहे वो राज्य स्तर का मेरिट टॉपर हो भले ही, तो उनमें बहुत ज़्यादा झिझक होती है, वो कैमरे को फेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन पुन्नी की मुस्कान को जब आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से सुनते रह जाएंगे, आपका मन करेगा सुनने का। मैं जब अभी बात कर रहा हूँ तो लग रहा है कि ज़्यादा बात करते जाएँ, तो आइए आपको सीधा मुस्कान से मिलवाते हैं। मेरी सफलता का श्रेय मेरे सभी गुरुजन, पूरी स्कूल स्टाफ और मेरी पूरी स्कूल और मेरा परिवार, मेरे माता पिता और मेरे मौसा जी को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। और मेरे भाइयों का भी इसमें बहुत योगदान रहा है, जिन्होंने मुझे इनडायरेक्टली मोटिवेट किया है और समय समय पर मुझे प्रेरित किया है और पढ़ने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित करने का कार्य किया है। मेरा टारगेट 95% से अबव था, लेकिन मैंने 92.50 प्राप्त किया है। फिर भी मैं इसमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतने अंक प्राप्त हुए, इतने नंबर अंक प्राप्त हुए हैं। हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल रहा है, जिन्होंने मुझे इतने अंक प्राप्त करने में पूरी मदद की है। हमारे सभी गुरुजन, हमारे पूरी स्कूल के स्टाफ मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, समय समय पर मेहनत कराते थे और स्कूल का माहौल ही बहुत अच्छा रहा है। समय समय पर प्री बोर्ड लेते थे, मंथली प्री बोर्ड चलते थे, वीकली टेस्ट सब काम चलते थे। सभी बच्चों ने अंक अच्छे प्राप्त किए हैं, 90 अबव और भी स्टूडेंट रहे हैं हमारी स्कूल में। मेरा टाइम टेबल था कि मैं 4 से 5 घंटे रूटीन पढ़ती थी। मेरा रूटीन हमेशा का था और मैं 4 से 5 घंटे हर हालत में देती थी और मैं 8 से 10 तक पढ़ती थी, फिर सुबह 5 से 7 बजे तक पढ़ती थी। स्कूल में, हमारी स्कूल में भी पूरा योगदान दिया है, जिन्होंने फुल मेहनत कराई है। 1.5 घंटे डेढ़ महीने हमेशा 1.5 घंटे 2-2.5 घंटे हमें मेहनत करवाते थे, फुल हमारी तैयारी करवाई है। हमारा स्टाफ का इसमें फुल योगदान है। मैं अपना श्रेय उन्हीं को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस तह पर पहुँचाया। टीचर्स और स्कूल परिवार ऐसे होते हैं जो एक सड़क की तरह होते हैं, जो स्वयं तो वहीं रहते हैं और अपने स्टूडेंट को आगे पहुंचाते हैं। परिवार भी ऐसा आता है जो स्वयं है और अपने बच्चों को इतने आगे पहुंचाते हैं, उनको जितनी खुशी होती है वो शायद ही किसी को होती है। और पूरे मैं अपने गांव को भी इसको फुल योगदान देना चाहती हूं। मेरा गांव का माहौल बहुत ही अच्छा था पढ़ने के लिए, नहीं कोई शोर शराबा था, नहीं लाउड स्पीकर, कुछ भी कोई भी डिस्टर्ब करने के कोई भी कोचिंग नहीं थे, सब मेरे लिए सहयोग रहा है मेरे गाँव का। मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में पहली बार ये ऐसा लगा था, एक ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था बीच में कि एग्ज़ाम, आधे एग्ज़ाम हो गए थे, आधे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं, इस पर भी मुस्कान ने बेबाकी से अपनी राय रखी। जब ये घोषणा हुई कि बोर्ड एग्ज़ाम के 2 पेपर नहीं होंगे और 4 के आधार पर ये नंबर दिए जाएंगे, लेकिन मुझे इसमें बहुत निराशा हुई कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम के पूरे एग्ज़ाम तो दूं, ताकि मुझे कितने नंबर प्राप्त हुए, लेकिन मुझे मेरी खुद के टैलेंट या मेरी प्रतिष्ठा के बारे में मुझे पता तो चले कि मैं कितनी इंटेलिजेंस है या मुझ में कितनी कैपेसिटी है, मेरे टीचर्स ने इतनी मेहनत की है, उनका फल तो मिले, इसमें मुझे फल तो मिले, वो तो जानकारी मिलना ज़रूरी है। पास होने से कोई मतलब नहीं होता है, परसेंटेज और पूरी साल की जो मेहनत है उसके बारे में पता लगना भी तो आवश्यक था। और हमारे स्कूल ने आसपास के जितने भी गांव उसमें सब में टॉप किया है, हर गांव को, इतने गांव को क्रॉस किया है और इतनी मेहनत करवाई है, हमारे टीचर्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं मेरे समाज की अच्छी तरह से सेवा कर सकूँ, समाज में मेरा योगदान दे सकूँ, सोसाइटी को आगे ले जाने में मैं पूरा मेरा हिस्सा निभाऊँ। मुस्कान की सफलता की कहानी के बाद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किरदारों से जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर मुस्कान का जमकर सपोर्ट किया और उनको इस मुकाम तक पहुंचने का
पहुंचने में शानदार सहयोग किया। अल्लाह ताला इसको खुश रखे और इसकी कामयाबी है, और अल्लाह ताला इसको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दे, हमारी तो यही दुआ है इसके लिए। मौलाना शमसुद्दीन जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने उर्दू विषय की तैयारी बच्चे की करवाई है। मौलाना साहब, क्या किस अंदाज में आप खुशी प्रकट कर रहे हैं अपनी? माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हमारा विद्यालय पहली मर्तबा पहला ही साल था, इसीलिए नए विद्यालय के अंदर इतने अच्छे अंक प्राप्त करना बच्चों के देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। क्या और भी मुस्कान की तरह आगे हैं बच्चे फ्रंट लाइन में, क्या परसेंटेज है? हाँ, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 10 या 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 75 से ऊपर भी अंक प्राप्त किए हैं। मुस्कान बानू, निधि शर्मा, दीपिका। निधि के कितने परसेंटेज हैं? निधि के 90 अबव हैं। 90 अबव। देखिए, एक छोटे से गांव में दो बच्चे 90 अबव हैं, बड़े बड़े विद्यालयों में आपको नहीं मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आर्यन पब्लिक स्कूल का ये स्ट्रगल है वो बहुत ही शानदार रहा। इकराम खान जी हैं हमारे साथ। इकराम खान जी, कैसा फील करते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हुई है, जो हमेशा हमारी बेटी ने जो काम किया है, जो नाम रोशन किया हमारा। तो ये अभिभावक थे जो बोल नहीं पा रहे हैं, और मैं इनके खुद के साथ भावुक हो रहा हूँ। ये रुआसे हो जाते हैं जब बेटियों की सफलता की बात आती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ उनके परिवार की खुशी जुड़ी हुई है। ये सफलता अकेले की नहीं होती है, और जो किसी वजह से सफल नहीं भी हुए तो उनको भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं था, एक कक्षा का इम्तिहान था। मुस्कान 4 घंटा पढ़ती थी, बहुत ही दिल में खुशी हुई, हमारी बहन ने इतने अंक प्राप्त किए हैं, हमारे दिल में बहुत खुशी हुई इस बात से। हमारी बहन ने मेहनत की है, इसीलिए वो आपकी कामयाबी भी हासिल करेगी। आपको क्या उम्मीद? पूरी उम्मीद है कामयाबी हासिल करेगी? हाँ, हमको पूरी उम्मीद है। आपको नहीं लगता था कि ये मुस्कान डिस्टर्ब कर रही है, रात रात भर यहाँ पढ़ती है? चाय वगैरह बना के देते थे आपको, ये काम करना पड़ता था घर का? नहीं, ये चाय नहीं पीती है। अच्छा, चाय वाला झंझट ही नहीं था। हाँ। तो आप ये बताएं कि कितने घंटे ये पढ़ाई करती थी? 4-5 घंटे। अच्छा, तो एक गांव में रहकर इस तरह से इसने नाम रोशन किया है, उस पर आपको कैसा लग रहा है? इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि हमारी ननद ने ये 92.50% प्राप्त किए हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि ये आगे बढ़कर सफल हुए। ये आगे जाकर पुलिस विभाग में अफसर बनना चाहती है, अब आपसे दूर भी हो जाएगी, तो उसको आप किस किस रूप में देखते हैं? नहीं नहीं, दूर होने का कोई हमें गम नहीं है, पर यह आगे सफल हुए। आपको क्या लगता था इतनी मेहनत कर रही है इतना परसेंटेज आ जाएंगे, ये लग रहा था आपको? हाँ। कितनी उम्मीद थी आपको? 95 की, क्योंकि लड़कों की तो सोच अलग है, और इनकी, ये लड़की है पर इनकी सोच बहुत ही ज़्यादा अलग है, हमारे जैसी सोच नहीं है इनकी। ये आगे बढ़कर सफल होना चाहती है मतलब? हाँ बिल्कुल। बहुत खुशी है मुस्कान की, भाई दुआ करी मुस्कान की कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया लंबर आवे, और मुस्कान आगे जाए और कामयाब होए, और मैं मुस्कान की आगे के लिए और दुआ करूँ। अब आगे जासी शिखर जयपुर इन पढ़नो पड़सी तो घर का देसी इजाजत? हाँ, घर का की बाकी इजाजत है, बहुत बढ़िया पढ़ो चाहो में मुस्कान है। कितना घंटा पढ़ती घर? 6 घंटा पढ़ती। अच्छा। हाँ, और मुस्कान ज़्यादा अगर कामयाब हो, और मुस्कान की माँ क्या दुआ है कि भाई आगे जा रोल कामयाब हुआ, माँ की दुआ है के लिए। आपने समाज में बेटी ने कम माने हैं, कहीं कम है बेटी, बेटा में कोई फर्क है कि ना? कोई फर्क कोई माँ। मुस्कान दिन प्रतिदिन आगे से आगे मुकाम हासिल करती रहे, और इसका भविष्य उज्जवल रहे, और इसकी सोच है वो बहुत अच्छी है, वो आगे से आगे बड़े से बड़े अधिकारी की सोच है, जैसे IAS बनने की इसकी सोच है। अल्लाह इनको कामयाब करे, और ये बहुत मेहनत करती है, आगे इसको उनकी अच्छी स्कूल में डालेंगे और उनका अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, इसका हमारे से साथ होगा, हम पूरा सहयोग करेंगे और इसको कोई कमी नहीं रहने देंगे। पूर्णे की मुस्कान की सफलता की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भूमा की निधि हैं, इसी विद्यालय में पढ़ती थी, आर्यन पब्लिक स्कूल में मुस्कान के साथ पढ़ती थी, और इनका पहले और दूसरे स्थान के लिए
कड़ा मुकाबला था। 1% कम रहा है, 91.67% यानी 91.67% अंक हासिल किए हैं निधि ने। निधि को भी बहुत बहुत बधाई। पूरा प्रयास करेंगे कि निधि को भी हमारे YouTube चैनल के ज़रिए आपसे मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।